जी भी और मैं ही भी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे। हाँ, हेलो। आप कह रहे हैं कि हूं भी और नहीं भी। जी अच्छा, ये आपका कैमरा शायद ऑन है। वहां देखिए, एक स्टॉप कैम का नीचे बटन होगा। मोबाइल से जुड़ी हुई जी आप? हाँ, आप हाँ सही जी हो गया। ठीक है। थैंक अच्छा, नमाज पढ़ती हैं आप? कभी कभी। कभी कभी। आयतुल कुर्सी आती है आपको? ओके, नहीं अत्तहियात आता है नमाज में? तो अत्तहियात पढ़ते हैं। हाँ सुनाइए। अच्छा, अत्तहिया अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अत्तहियात अत्तहियातु लिल्लाही। अत्तहियातु लिल्लाही वस। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मैंने काफी टाइम से नमाज नहीं पढ़ी है। एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने आई थिंक 8 से 8 साल पहले पढ़ना और नमाज थोड़ा मतलब छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन दरुद दरुद इब्राहिम आता है आपको? दरुद शरीफ आता है? कुछ नहीं मतलब मुझे इतना कम्प्लीटली कुछ नहीं पता है। नहीं, कुछ तो याद होगा ना आपको, कि फिर कैसे पता चले आप मोमिना थी या नहीं थी? हाँ मतलब कलमे याद है, सना याद है, सना तशहुद सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यिबात व अस्सलामु अलैका व अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि शालि अस्सलु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ओके, सना सुनाइए। सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक। ओके। अच्छा भाई लोग, मोमिना ही है ये, असल में इन्होंने नाम चेंज करके आई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ओरिजिनल नाम से जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता है अभी, तो इसने छोड़ दिया है। वो जाहिर सी बात है, ओरिजिनल नाम के साथ तो आएगा ही नहीं। हर किसी को मालूम है कि कितना खतरा होता है, तो टेस्ट तो पास हो गई है। जी, क्या कहना चाहती है तन्वी जी? एक्चुअल में मुझे ये बोलना था कि मतलब मैं आती तो मुस्लिम फैमिली से ही हूँ और काफी चीज है, मतलब मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है एज अ मुस्लिम कि बट 8 साल कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है कि उसके बाद मतलब सब कुछ छोड़ना मतलब पड़ा। ऐसा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ईमान छोड़ दिया है या इस्लाम छोड़ दिया है या उसके बारे में, बट अभी कुछ 1 मंथ पहले ऐसा मतलब रियलाइज हो रहा था, एज अ डिप्रेशन ही समझ लो। तब ये सोच रही थी कि अगर अल्लाह है तो इतनी जाती क्यों है एज अ गर्ल, क्यों बिकॉज एज अ चाइल्डहुड में मैंने एज अ फिजिकल स्ट्रेस वगैरह सब मतलब सहन किया हुआ है। तो वो ओके। सब चीज के हिसाब से तो मतलब मेरे घर में सबको मैं कभी कुछ भी बोलती हूँ तो क्या अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह की वजह से ही सब कुछ होता है ऐसा वैसा। और मेरे घर पे मान लो कि हम लोग 35 लोग हैं सबको मिला क्या, और उन अच्छा, लोग सबसे पर्सनल लड़ाई ज्यादा करना। इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी है, क्योंकि आप लाइव है अभी। जी हाँ जी मतलब वही सब चीज है। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर अच्छा होता है वो भी अल्लाह की तरफ से होता है, अगर बुरा है तो अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा अब एक मेन मुद्दे पे आती हूँ कि मैंने अभी थोड़े टाइम पे एज अ जफर हैट्रिक का अचानक से वीडियो देखा था, डाउट पहले से ही थे लाइफ में, तो मैंने सोचा कि देख लेते क्या है ये एक्स मुस्लिम वगैरह वगैरह। तो मैंने उनका देखा तो द मोहम्मदी पहला उनका जो एपिसोड था तो सडनली यूट्यूब पे दिखा तो मैंने देखा। तो उसमें अमुक से ऐसी ओके। चीजें थी जो मेरे को माइंड में ट्रिगर कर गई कि नहीं ये चीज हो सकती है। तो उसके बाद ही मैंने फर्स्ट टाइम तर्जुमे वाला कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट किया, एज अ तर्जुमा नो आयत नो कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रांसलेटर ही पढ़ रही हूँ मैं। तो उसमें मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर अभी तक मैंने कंप्लीट किया है। तो मतलब उसमें मतलब बताया है कि कहती है पहले सुना है कहीं कि भाई है कि भाई कहती वगैरह ऐसा सब कुछ। फिर मैंने बोला कि यार ओके। ऐसा कैसे हो सकता है अगर अल्लाह है तो लड़की के लिए ऐसी सोच क्यों है उनकी। मेरा क्वेश्चन तो यही है कि अगर अल्लाह है तो कभी लड़के के लिए ऐसी मतलब सोच नहीं रख सकता है।
सही वो बात इतना है, बुजदिल, मतलब क्योंकि वो बुजदिल कैसे हो सकता है कि लड़के के लिए अलग नियम है और लड़की के लिए अलग नियम है। और अभी फिलहाल मैं सच में बोलूँ ना तो मेरा माइंड का फ्यूज पूरा उड़ चुका है। ओके तो क्या चाहती है अभी आप, इसमें गंदगी में रहना चाहती है या निकलना चाहती है? मैं 99% तक तो निकलना ही चाहूंगी। हाँ तो किस चीज का इंतजार कर रही है आप? आज किसी चीज का इंतजार वैसा तो नहीं कर रही हूँ, और बस जो है वो फैमिली की वजह से ही थोड़ा, मतलब 1% का वो है कि अगर किसी को पता चला, बिकॉज बट वैसे मेरी फैमिली एज अ स्ट्रीट है, सो उस हिसाब से तो लेकिन आप इसको दिल से जो है वो गलत मानती है, बस फैमिली के डर के वजह से हाँ एक हाँ दिखावा आप कर रही है। 1 in 1000, हाँ 1 in 1000, बिकॉज एज अ सेक्सुअल हरासमेंट हो चुका है और वो चीज भी कुरान जायज बताता है, तो फिर मैं उस चीज को अग्री नहीं कर सकती हूँ। ओके तो वही एक मसला है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये निकल चुकी है, जितने लोग सुन रहे हैं इन्होंने जफर हेरेटिक साहब की हमारी दिल से वीडियो, तो निकल इन्होंने, सकी हाँ हूँ। इन्होंने जफर हेरेटिक भाई की वीडियो देखी और इनको समझ में आया कि भाई ये गलत चीज है, फिर इन्होंने ट्रांसलेशन वाला कुरान लिया और उसमें पढ़ा तो वहां भी इनको वो चीज मिली कि भाई औरतें जो है वो खेती है, ठीक है, जो बीवी है वो तुम्हारी खेती है, जिस तरीके से चाहो आप उस पे हल जोत सकते हो। तो ये सारी चीजें पढ़ी और इनके साथ भी पर्सनली कुछ हुआ है गलत चीजें हुई है, तो इन चीजों को देखते हुए इनको ये समझ में आया कि ये जो रिलीजन है ये रिलीजन नहीं हो सकता, ये कल्ट है, ये धोखेबाजी। अब मसला इनका ये है कि भाई घर पे इनके सारे के सारे लोग जो है वो कट्टर मोमिन हजरात है, तो अब ये क्या करे। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, जैसे कि हम बाकी लोगों को सजेशन देते हैं कि अपने करियर पे फोकस करिए और अपने पैरों पे खड़े खड़े होइए, सेल्फ सफिशिएंट बने आप, इंडिपेंडेंट बने, और उसके बाद फिर जहां कहीं भी आप रह रही हैं वहां से बाहर निकले और अच्छी जिंदगी गुजारे आप। टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर हौसला आप में है तो आप ये कर सकती है, वरना क्या होगा एक्चुअली आगे जाके पंडित, आपके घर वाले आपकी शादी कर देंगे कोई मोमिन के साथ, और फिर वो उसके घर वाले या वो जो है वो भी कभी अगर इस्लाम को अच्छे तरीके से फॉलो करने वाला रहा तो वो ही सारी चीजों पे फॉलो करेगा। मैंने घर पे मना कर दिया है कि मुझे शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई मतलब करना भी नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर कुरान मान लो, चलो जो भी है, व्हाटएवर, जो भी लिखा है उसमें सही गलत जो भी लिखा है, बट लास्ट में कुरान शरीफ पर हर मौलाना या मौलवी या जितने भी लोग हैं, व्हाटएवर, मुझे उनसे कुछ ये नहीं है, बट वो लोग ये बोलते हैं कि आखिर में इस्लाम का ही परचम लहराएगा, ठीक है, तो मैं ये सोचती हूँ हाँ कि तो उनके तुम लोग बोलने को से जब कुछ नहीं होता ना, खत्म, इस्लाम का परचम कैसे लहराएगा, नहीं, इस्लाम तो खत्म हो रहा है। हाँ, वो, और उसकी आई थिंक मैंने कहीं पे रिसर्च की है, मतलब गूगल पे, तो उसमें तो सिर्फ 1500 साल पृथ्वी जीवन काल का कुछ टाइमिंग वर्क व्हाटएवर ऐसा कुछ बता रहा है, बट मैंने ये सोचा कि अगर जब सबको पता है तो लड़ाई किस बात की। और मतलब मैं सही में बोलूँ ना, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ ना, तर्जुमे में तो ये फील होता है कि चलो पढ़ भी ले इंसान एक बार, बट क्या बोलते हैं, काफी शब्द, हाँ काफी शब्द से पता नहीं क्या ही मतलब मसला है। तो बात जी आगे बोलिए आप। लगता है इनके कनेक्शन में कुछ इश्यू हो गया है। भाई लोग तन्वी जी के लिए एक एक गुलाब आप लोग जरूर भेजे, इनकी आंखें खुल गई हैं और ये मतलब थैंक मन से तो बाहर निकल गई है, और अगर सिचुएशन वैसा आता है तो ये तो उस जगह से भी बाहर निकल जाएंगी। तन्वी जी जो मैंने कहा है उस पे गौर फिक्र करना आप, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इंसानियत की तरफ आने के लिए। ठीक है तन्वी जी।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फर्स्ट टाइम जुड़ी थी ना आप? हाँ जी हाँ ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए आप, ठीक जी है? हाँ जी हाँ जी ओके। कबीर साहब फिर से आए हैं, देखते हैं इस्लाम पे इनको बात करना है या नहीं करना है। कबीर साहब इस्लाम पे बात करेंगे वरना मैं अभी ब्लॉक कर दूंगा आपको। कबीर साहब कबीर साहब, एक दो मेरे को ब्लॉक ना करो जी। ओके, नहीं करते जी। आयतुल कुर्सी सुना दो जी सबसे पहले, नहीं सुना था क्या करते तू? फिर से गान पे लात मारते जी, तुम्हारे मार दिए। अब जुड़ो ना को, सीधा ब्लॉक करता हूं, देखो तुम ना। यार नॉन मोमिन हजरात नहीं जुड़ो भाई, नायडू साहब नहीं जुड़ो, और ये गजम्फर अली साहब आप भी नॉन मोमिन है, आपका सरनेम सिंह है, छोड़ दीजिए स्टूडियो, छोड़ दीजिए। अमन कुमार स्टूडियो स्टूडियो छोड़ दे भाई। ओके अबू दुजाना साहब, हेलो भाई, कैसे हैं साहिल भाई? फर्स्ट चल अबू दुजाना जी साहब, मैं पूछ रहा हूँ कैसे हैं साहिल भाई? मैं ठीक हूं, मैंने जवाब दिया ना, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। हाँ पिछले बार आप होमवर्क लेके गए थे ना बहुत सारे? पिछली बार तो मैं होमवर्क दे के गया था बहुत सारा, हाँ आज मैं होमवर्क लेके रिजल्ट गए लेने थे आया ना। हूँ। आपके साथ बात नहीं हुई कभी एडम साहब के साथ आपने बात किया था, उन्होंने आपको होमवर्क मेरी, एडम दिया था साहब ने ना? मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। अरे यार क्यों झूठ बोलते हो इतना, मुझे अच्छे से याद है क्या याद है बताएं फिर। आपने होमवर्क्स लिए थे। हाँ भाई एडम साहब कह रहे थे वो पेशेंट गोई थी, तो तो उन्होंने मैं आपको उनको होमवर्क कहता दिया था हूँ कि ना। अगर वो पेशेंट गोई थी तो फिर आप वर्स नंबर 51 और 52 भी पूछ ले, उसमें एक बंदा चादर छोड़ के नंगा भाग जाता है, बकायदा लिखा हुआ है। वो भी पेशेंट गोई थी क्या? मैं अच्छा आप पूछूंगा बाइबल के ऊपर बात कर रहे हैं, नहीं वहाँ, मैं अभी तो बाइबल पे बात कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा आप ठीक है मजबूर चलिए। कर रहे वो हैं। बाइबल का तो मुझे याद नहीं है कि आपकी क्या बात हुई थी, लेकिन आपने इस्लाम के ऊपर होमवर्क लिया। चलिए वो छोड़ दीजिए, अभी जब एडम साहब आएंगे वो आपसे बात कर लेंगे आपकी क्या बात हुई थी। ये बताइए आपको ये पता है कि आपके अल्लाह ने रोजा छोड़ने के लिए एक छूट दी है, अगर आपके पास पैसे है माल है? जी वो छूट पहले दी गई थी, उसके बाद फिर वो छूट ले ली गई थी अगली आयत में। अच्छा तो ये अल्लाह को पता नहीं था कि मतलब ये इस तरीके से मैं छूट दे रहा हूं, ये सही तरीका नहीं है, ये असल में कैसा अल्लाह है? अल्लाह पाक जो इंसानों पे बहुत ही मेहरबान है, एकदम बोझ नहीं लाना चाहता, क्या आराम आराम से, क्या नहीं डालना चाहता है? एकदम बड़ा बोझ नहीं डालता अल्लाह। अल्लाह राम राम से, हाँ अच्छा आराम आराम से अल्लाह बोझ डालता है। जी, ताकि लोग फॉलो कर सके, उनको मुश्किल ना हो। कैसा अल्लाह ये बोझ क्यों डालना चाह रहा है? लेकिन देखिए ये उस वक्त के लोगों के लिए एक बोझ बोझ ही था, क्योंकि वो नए नए सिस्टम में आ रहे थे, जैसे कि शराब छोड़नी। लेकिन ये अल्लाह बोझ डालना क्यों चाहता है? हमारे फायदे के लिए, अच्छा तुम्हारे फायदे के लिए अल्लाह बोझ डालना चाहते हैं? आप पे माँ बाप बोझ डालते हैं कि नहीं? नहीं डालते हैं। माँ बाप जो सबसे ज्यादा इंसान को प्यार करते हैं, यानी कि अपने औलाद को, वो बोझ डालते हैं नहीं कि नहीं? डालते, नहीं डालते। क्यों बोझ नहीं डालते? डालेंगे? नहीं आपको स्कूल नहीं भेजते? वो तो मेरे फायदे के लिए है।
तो तेरे फायदे के लिए तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तेरे पे बोझ डाल रहे ना, तुझे इतना बड़ा बस्ता पकड़ा देते हैं भाई। सुनेगा, मेरे माँ बाप मुझे अगर स्कूल में डाल रहे हैं तो वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि मुझे एजुकेशन मिले, उस एजुकेशन के जरिए से मैं अपना अपने करियर को बनाऊं, फोकस करूं, अपनी जिंदगी बेहतर करूं। अगर मेरे माँ बाप के पास ये पावर हो कि मुझे ऑटोमेटिकली वो एजुकेशन वो डाल दे, यानी मेरे भेजे में, और मुझे एक अच्छी जिंदगी वो दे सके, उनके पास अगर पावर है वो चीज का, तो मुझसे मेहनत क्यों कराएंगे, वो सीधा सीधा दे देंगे ना हमें को। अच्छा, तो ये तो मेरे माँ बाप के पास तो वो पावर नहीं है, इस वजह अच्छा। से जो प्रोसेस है, दुनियावी प्रोसेस, उससे हमको गुजरना पड़ता है। जी, क्या आपके अल्लाह के पास पावर नहीं है कि बिना बोझ डाले वो इंसान को बेहतर जिंदगी दे सके? अल्लाह पाक ने ये दुनिया बनाई है एक उसूल के तहत बनाई है, उस उसूल पे हर बंदे को गुजरना पड़ेगा। किस उसूल के तहत? हर बंदे को, कि हर बंदे को मुश्किल भी आएगी, आसानी भी आएगी, हर चीज आएगी उसके सामने। क्या हर बंदे को पड़ेगा भाई? क्या हर बंदे को मुश्किल आती है? जी जी, हर बंदे को आती है। सेम लेवल की आती है? लेवल हो सकता है छोटा बड़ा हो। क्यों ये नाइंसाफी क्यों है? क्योंकि अल्लाह पाक खुद कहता है कि मैं किसी इंसान पे उसकी बोझ से ज्यादा बोझ नहीं डालता, उसके नफ्स की ताकत से ज्यादा उस पे ज्यादा बोझ नहीं डालता, कुरान में कहता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये नाइंसाफी क्यों किया अल्लाह ने? कोई नाइंसाफी नहीं है भाई। क्या अरे भाई, तुम किसी के ऊपर हल्का बोझ डाल रहे हो, किसी के ऊपर ज्यादा बोझ डाल रहे हो, तो ये तो नाइंसाफी हुई। नहीं, एक जैसा बोझ सब पे डाला। आप ये कह रहे हो कि कि बर्दाश्त के ऊपर अल्लाह बोझ नहीं डालता। कभी तुमने इस पे इंस्टाग्राम पे या इस पे क्या कहते हैं उसको, आप इम्पैक्ट गुरु करके वेबसाइट है, और उसी तरीके से जो चैरिटेबल वेबसाइट होती है, यानी पैसे कलेक्ट करते वो लोग, वहां पे जाके देखे हो कि इंसान कितनी तकलीफ में कई सारे लोग जी रहे हैं, वो सह नहीं सकते, उससे ज्यादा बोझ उनके ऊपर है तकलीफ का, देखा है कभी तुमने? आंख से एक देखने वाले के आंख से आंसू निकल जाता है जब वो सामने वाले की तकलीफ देखता है, उसमें बच्चे भी है। आप उनको देख के क्या जज करते हो? हाँ, आप उनको देख के क्या जज करते हो? ये जज करता हूं कि उसकी जो तकलीफ वो सह नहीं सकता, उससे ज्यादा वो तकलीफ में है। और तुम कहते हो कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो उतना ही बोझ डालता है जितना सह सके इंसान। कितनी झूठी बात है तुम लोगों की। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे रोजे की बात हो रही है, सब रोजेदारों पे रोजा फर्ज किया, किसी को छूट नहीं दी गई है। अबू, किसी को छूट नहीं दी गई। अबू तू जाना रोजे पे रहना। रुक जा, अभी तू भाग रहा है जब पकड़ा गया। तूने कॉन्सेप्ट की बात की ना, रोजे से बात आई कॉन्सेप्ट पे। मैंने पूछा कि क्यों बोझ डालना चाहता है, फिर बोझ से बात आई कि उतना ही बोझ डालता है जितना एक इंसान सह सके, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। आप प्रूफ करो फिर। मैंने एग्जांपल दी ना, मैं यहाँ पे वीडियो नहीं दिखा सकता तुमको उन लोगों के, इतनी तकलीफ में है बेचारे, बच्चे तकलीफ में है, ऊपर के सर के बाल झड़ गए, खाना नहीं खा सकते। अगर वो तकलीफ में, ज्यादा तकलीफ में आ नहीं सकते, वो चाह रहे कि हमें मौत आ जाए, वो चल जाएगा, लेकिन ये जिंदगी का बोझ जो तकलीफ है वो नहीं सह सकते भाई। वो फिर डिप्रेशन के मरीज है, उनको इलाज कराना चाहिए अपना। क्या जी? वो डिप्रेशन के मरीज है? जी जी यार, कसम से अबू दुजाना, ऐसी गाली देने का दिल कर रहा है ना तुझे। किस बात पे? एक इंसान जो तकलीफ में इतना है कि वो सह नहीं पा रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे लिए मौत बेहतर है, तू कह रहा है कि वो डिप्रेशन में है। अच्छा, उस बंदे के लिए अल्लाह का हुक्म क्या है? अच्छा, उस बंदे के लिए अल्लाह का हुक्म क्या है जो तकलीफ, ये बता तू। क्या हुक्म है? बात हुक्म की नहीं, तू बता ना। इस आर्गुमेंट, तू टॉपिक को जिधर लेके जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। नहीं, तू भाग रहा है ना, नहीं तू भाग रहा है। तूने अल्लाह का क्या हुक्म है उस बंदे के लिए जिस पे तकलीफ है? मेरी बात सुन भाई, तूने जो ये आर्गुमेंट दिया था अभी कि तकलीफ से, सहने से ज्यादा तकलीफ नहीं देता,
मैंने इस पे तेरी बात को गलत साबित किया है कि कई सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो तकलीफ यानी सहने से ज्यादा उनके ऊपर तकलीफ है, और मैंने कुछ मिसालें दी है और वो आपको वीडियोस में दिख जाएंगी कि कैसी कैसी तकलीफ में बेचारे लोग मिन्नतें मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हम सही हो जाए, नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं सहन हो रहा है, कोई दवा उन पे काम नहीं आ रही है। इस पे बताओ, फिर आप बताओ, फिर अल्लाह ने हुक्म क्या दिया ऐसे लोगों के लिए जो तकलीफ में हो? कुरान में क्या हुक्म दिया बताओ फिर? तुमने पहले जो ये कहा ना कि जो सहने से ज्यादा अल्लाह बोझ नहीं डालता, ये बात तो तेरे अल्लाह की झूठी हो गई। उनके लिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो और सबर से काम लो। अरे ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में। तो ये बात तो गलत हो गई ना कि सहने से ज्यादा बोझ नहीं डालता अल्लाह। देखे वो बंदा हो सकता है खुद को फील कर रहा हो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी। भाई भाई दोस्तों, इनकी अकल देखो, इनकी अकल देखो, ये कह रहा है कि उसकी सोच गलत है, उसको जो लग रहा है। आप सामने लेके आओ, चुप, दिमागी आप देखिए इनकी सोच। ये कह रहा है कि वो जो तकलीफ में है लोग, और कसम से बोलता हूं यार, मैं जब देखता हूं ना ऐसी वीडियोस, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, ना दवा काम आ रही है उनके लिए, इतनी तकलीफ में बेचैन। अभी मैंने कल वीडियोस देख रहा था रील में, वो इम्पैक्ट गुरु और ये सब ये लोग प्रमोट करते हैं, उसमें आ गई एक बंदे के स्किन पर ट्यूमर्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई तो एक बीमारी का नाम बताया, उसके पूरे बॉडी में, यानी सर से लेके फेस से लेके कान हाथ पैर बैक सब जगह पे उसके स्किन पे ट्यूमर है। वो बैठ भी नहीं सकता, वो लेट भी नहीं सकता, ना सीधा लेट सकता है ना उल्टा लेट सकता है, इतनी तकलीफ में है वो, इतना दुख होता है देख के। और ये कह रहा है कि नहीं सोरायसिस नहीं है भाई, सोरायसिस मुझे पता है, सोरायसिस नहीं, दूसरी बीमारी हो, ट्यूमर होते हैं उसमें। और ये कह रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसको दर्द है, असल में वो दर्द उसको उतना है नहीं। ये ऐसे जाहिल लोग है, ये इनकी कौम इतनी जाहिल है कि अपने अल्लाह की बात को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। अबू दुजाना, जब तेरे को इस तरीके की बीमारी होगी ना, जो कि नहीं होना चाहिए, जब तुझे इस तरीके की बीमारी होगी ना, जब ये तू जो यहाँ पे डायलॉग मार रहा है ना, अल्लाह पाक मुझे बचाए, अल्लाह पाक मुझे बताए, क्या मैं अल्लाह से पनाह मांगूंगा भाई? अबे तो पनाह मांगने से अल्लाह बीमारी क्या दूर कर देता है? अल्लाह पाक ही बीमारी को लेके आता है और बीमारी को शिफा भी अल्लाह ही देता है, कुरान में है। तो तेरे पनाह मांगने से क्या बीमारी अच्छी हो जाती है? मेरी दुआ करने से क्या पता अल्लाह पाक मुझे वो उसका सामना ही ना करना पड़े, क्योंकि दुआ तकदीर को बदल देती है। होती है बीमारी पनाह मांगने से, क्या हुआ? 110% अच्छी होती है बीमारी पनाह मांगने से। क्या ये कंफर्म है कि तू अगर पनाह मांगेगा तो तुझे अल्लाह बीमारी नहीं करेगा? ये तो अल्लाह की मर्जी है। एग्जैक्टली, तो तेरे पनाह मांगने से नहीं मांगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा जो फिर से ये पॉइंट है कि अल्लाह उतनी ही तकलीफ देता है अपने बंदों को। किधर से किधर ले गए हो आप? कुरान की बात हो रही है, आप इतने लोगों को लेके आ रहे। सहने की बात की ना, मेरी बात सुने, अल्लाह गलत साबित हुआ। वो बंदा जिसकी आपने मिसाल दी है, जिसकी आपने मिसाल दी है, जिसको बहुत तकलीफ हो रही है, मान लो बहुत ही तकलीफ हो रही है, तो अल्लाह पाक उसको कहता है कि तू भाई बर्दाश्त कर, सबर कर, मेरे पे भरोसा बर्दाश्त कर, लेकिन क्यों तकलीफ में देखना चाह रहा है अल्लाह? क्या मिल रहा अल्लाह को? अल्लाह को कुछ नहीं मिलेगा, उस बंदे को बहुत कुछ मिलेगा। अबे वो तकलीफ में है, उसको बाकी का नहीं चाहिए। अगर मेरे को एक बात बता, मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ। वेलकम। बंदा है हिंदू और उसको तकलीफ है, उसे क्या क्या मिलेगा? खत्म हो गया।
इसीलिए मैंने कहा कि वो रब पे भरोसा रखे, रब को माने, नहीं तो वो अपने तकलीफ रब में पे असल भरोसा उसका रख रहा है, रब है। वो अपने रब पे भरोसा रख रहा है, जो रब उसको पता है उसको, उसके अलावा किसी रब का नहीं पता, उस पे भरोसा रख रहा है, उसे क्या मिलेगा? ये एडम एडम सर भी आ गए जी, एडम सर भी तो हाँ बहुत लेकिन अच्छा हो बात गया जी। बात ये टॉपिक कंप्लीट करना है, भागने नहीं देंगे अभी तेरे अल्लाह को जो है ना, ऐसी बात पूरा करो रोजे पे, उसके रोजे सामने पे नंगा बात करो करेंगे। आप। हाँ पहले ये ये बात फाइनलाइज लेंगे करो, जवाब। पहले हाँ बात फाइनलाइज करो जो तुमने कही। मैंने कह दिया, अल्लाह पाक ने जिसको भी तकलीफ दी है अल्लाह पाक तुम्हारा उसको अल्लाह कहता है कि नापाक तू जो सबर। है वो उस हिंदू को क्या देगा एंड में? क्या हुआ? तुम्हारा नापाक अल्लाह उस हिंदू को क्या देगा एंड में जिसको इतनी तकलीफ है इस वक्त? पहली बात तो यह है कि उसको अल्लाह के पास वो जाना पड़ेगा। नापाक अल्लाह उसको क्या देगा जो इतनी तकलीफ में है इस वक्त हिंदू? देखे आप थोड़ी सी तमीज से बात करें। देखे दोबारा से पूछता हूँ, तुम्हारा नापाक अल्लाह उस हिंदू को नहीं, क्या ये इस देगा जो तरह के इतनी वर्ड तकलीफ आप में है? इस्तेमाल ना करें, इस तरह के वर्ड अरे हमें भाई बुरे लगते हमारे तो हैं। नापाक ही है ना, जो तकलीफ में डाल रहा है और उसको कुछ मिलने भी नहीं वाला है। मिलेगा तू बहुत कुछ पाक मिलेगा पाक जो रब पे क्या भरोसा मिलेगा रखेगा, उस हिंदू उसको को, जन्नतें मिलेगी भाई, उस नजिस जन्नतें हिंदू को जन्नत मिलेगी। मिलेगी? उस नजिस हिंदू को जन्नत मिलेगी? शो मी वन वर्स वन आयत वन हदीस के उस नजिस हिंदू को जन्नत मिलेगी क्योंकि उसे इस दुनिया में बहुत ज्यादा तकलीफें तकलीफ दी गई मिली थी। हिंदू शो मी। से आप क्या, मैंने हिंदू का वर्ड इस्तेमाल किया अपनी लैंग्वेज में? आप मैंने ना तो हिंदू एग्जाम्पल का लफ्ज स्पेसिफिक लिया, रख रहे हैं, शो मी माय वर्ड, शो मी माय वर्ड, मैंने हिंदू का तो नाम इसका लिया। मतलब अगर हिंदू होगा तो जन्नत नहीं ना मिलेगी? हिंदू आप किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं? हिंदू क्या, यानी कि हिंदू हिंदुस्तान में रहता मुशरिक, वो हूं? जय श्री राम के नारे लगाता है, जय श्री कृष्णा के नारे लगाता है, वो वाला हिंदू। आप बता दे फिर, ए आपकी बाइबल उसके मुतल्लिक क्या कहती है? वैसा वो मैंने की आपको नहीं, बता दिया वैसा हुआ की है। नहीं। अभी अपनी अपनी जो एग्जांपल थी उसको फिनिश कर, फिर मैं अपना भी बता देता हूँ। अपनी एग्जांपल फिनिश कर, पहले आप फिनिश करो, आप बड़े हो फिर। चल दफा कुत्ती नहीं मार नहीं दिया नहीं मेरे को, नहीं दल्ला दल्ले चालाकी सुन अब, कुत्ती के बच्चे दल्ले सुन अब। मेरी बाइबल ये कहती है कि खुदा बीमारी नहीं देता है, दिखा दे कहां पे लिखा हुआ है कि बीमारी और अजाब खुदा देता है। तुम लोगों को पता ही कुछ नहीं है, दल्लो हरामियों कुत्तियों बेसाखियां यूज करने वाली बगैरत कौम, अपने अपना कुछ पता नहीं है, जवाब तुम दे नहीं सकते हो, आके लेफ्ट राइट जाते हो, हराम खोरो अच्छा वो बगैरत। क्या क्या डायलॉग मारा हो? वो पहले तो बोलता है जो तकलीफ में है, जो सही नहीं कर सका, वो डिप्रेशन में है बोलता यार नहीं मैं है। सैलो सुन रहा था तुम्हारी बात थोड़ी सी, मैं कहा चलो थोड़ा शायद ये बोल पड़े, लेकिन इसके साथ तुमने लास्ट टाइम इसको खत्म कर दिया था। मैंने कहा था मैं तुमसे बात ही करूंगा, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम बगैर शख्स हो। ये आया था उधर वो है नहीं हमारे वो बंदा वो जिनका आपने भी पिछले दिनों किया था, बशारत मुगल साहब, उनके चैनल पे आया था। वहां पे इसको इसने जो जो लेफ्ट राइट किया है वो सारे लेफ्ट राइट इसको मैंने जलील किया है। एंड में इस फिर तुम्हारे चैनल पे आके वैसे जलील हुआ है, उसके अलावा मेरे चैनल पे आया, मैं कहता तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम एक बेगैरत शख्स हो, डड्डू की तरह छलांगे मारते हो, तुम किसी भी छलांग बात मारता है, को, जम करते रहता है। हाँ किसी भी बात को तुम एंड तक नहीं लेके जाते। ये फिर बाइबल पे भी आया था, पहले एक जगह फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह फिर चौथी जगह, मैं कहता डड्डू की तरह छलांगे क्यों मारते हो, स्टे एट एक वन पे रहना पॉइंट। टॉपिक एग्जैक्टली। मैं कहता तुम इस काबिल ही नहीं हो। देखो अब देखो कितनी देर से तुम्हारा लगा हुआ था, अब जैसे ही मैंने बताया कि हिंदू है, मैंने कब कहा हिंदू जाएगा, तो फिर भोंको ना सीधे तरीके से, लेफ्ट राइट क्यों जा रहे हो? सीधा बाइबल पे आ गया। कहां पे खुदा ने, वैसाखी ये सिर्फ खुदा अजियते नहीं देता, सिंपल, सिर्फ अल्लाह अजियते देता, ये अल्लाह ही है। वो कहता है मैं जिसको चाहूं गुमराह करूं और जिसको चाहूं हदायत दूं, ये अल्लाह ही है जो कहता है मैं ही आपको सेहत देता हूं, मैं ही आपको ये, दिस इज बुलशिट मैन। सही बात। بکواس بند کر کتیا حرام دیا خنزیرا لانتیا دلیا بغیرتا جانمن حرام دیا پیور حرام دیا اوریجنل حرام دیا لگتا ہے امیت آ گیا لگتا ہے امیت آ گیا اپنی پریزنس ثابت کر دیا امیت صاحب نے نہیں امیت صاحب بہت پہلے آ گئے تھے ابھی ٹائم پہ انہوں نے پھینکا ہے وہ فرقان صاحب ہلو फुरकान साहब मोमिन है? हाँ मोमिन हूँ। ओके नमाज पढ़े आज तरावी की? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी सूरा चल रही है अभी?
अभी हमारे ये अम्मा पारे ही कर रहे हैं, अलिफ लाम मीम से नहीं अभी कर। अम्मा पारे? हाँ। 30 पारे पे पहुंच गए आप? हाँ 30 पारे पे। हाँ। अरे फटाफट भाग रहा आपका कारी तो। फटाफट भाग रहा है यार। ओके कोई सुनाओ अम्मा पारा से कोई सूरा सुनाओ। بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول. مأكول مأكول اوكي हां भाई फुरकान रोजा छोड़ने की ट्रिक अल्लाह ने दी है इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो? वो ट्रिक दे दी है जरा दिखाना कहाँ दी है? ये आपके सामने है। क्या क्या बोलती है आयत? आयत बोलती है ये देखिए आयत क्या बोलती है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए आयत बोलती है चलो इनका देख लेते हैं। फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब रोजे के दिन गिनती के चंद रोज है तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखे लेकिन रखे नहीं वो रोजे के बदले मोहताज को खाना ये तो खिला ये है दे। ना। क्या 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 एक सेकंड ये क्या लेकिन ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो सकता है इसका उर्दू के बगैर? ये लीजिए इंग्लिश में कर देते हैं। ये कौन सी चैप्टर है वर्स क्या ये? चैप्टर टू वर्स नंबर 184 भाई। अच्छा क्या बोलते हैं ये? फास्टिंग फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज सो हूएवर अमंग यू इज इल और ऑन अ जर्नी देन एन इक्वल नंबर ऑफ अदर डेज आर टू बी मेड अप एंड अपॉन दोज हु आर एबल टू फास्ट बट विद अच्छा ये बट विद हार्डशिप नहीं इधर अ रैंसम एज सब्स्टिट्यूट। पता चल गया भाई अब क्या बोलोगे ये नहीं है पता क्या? चल गई भाई क्या पता चल गया जिन पे मुश्किलात हैं कमजोर है बेचारा कोई कोई ना 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 ये भाई, बस भाई। हो गया पूरा